जोट्स मेक हाइड्रोलिक सरफेस ग्राइंडिंग मशीन इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन. द मैग्नेट साइज ऑफ दिस मशीन इज 300 by 1000 mm and it is a complete hydraulic surface grinder. There is no noise at all in the grinding wheel. The grinding wheel is currently rotating. There is no noise or vibration in it. अभी हमने बहुत स्लो करके फीट ट्रैवल भी चलाया हुआ है. The condition of the magnet is also very good. The make of this machine is Jotz and the model number is SPD 300. The machine is complete with its coolant tank, coolant pump and magnetic coolant filtration unit. We also have the operating manual. These splash guards are also available. This is the hydraulic power pack of this machine. सबसे पहले इस मशीन का मोटराइज वर्टिकल ट्रैवल दिखा दो. जो पूरा व्हील हेड है उसे पहले नीचे ले आओ. मोटराइज वर्टिकल ट्रैवल. अभी हम पूरे व्हील हेड को नीचे लेके आ रहे हैं. ठीक है, ऊपर ले जाओ. ठीक है, अभी वर्टिकल ट्रैवल चल रहा है. और ले जाओ. वर्टिकल ट्रैवल चल रहा है एंड ये व्हील ऊपर जा रहा है. ठीक है, इसका लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल फिर से स्टार्ट करो. ठीक है, जो आगे पीछे ट्रैवल चल रहा है उसको अभी एक बार रैपिड में चला दो. ठीक है, हमने अभी कॉन्टिन्यूअस ट्रैवल चला दी है. क्रॉफ्ट ट्रैवल पे द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द क्रॉफ्ट ट्रैवल दैट इज ऑफ द व्हील कैन बी सीन. अब ये टेबल के इंडिपेंडेंट लगातार आगे पीछे चल रहा है. ठीक है, अब इसको फिर से फीड में कर दो. ठीक है, इसको हमने अभी फिर से फीड में कर दिया. टेबल के हर बार लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पे लगने पे इसका फीड ट्रैवल चल रहा है. जो ये फीड का रेट है ये एक बार मैक्सिमम कर दो. ठीक है, अभी हमने फीड का रेट मैक्सिमम किया हुआ है. हम देख सकते हैं कि इसका जो अभी ट्रैवल है वो काफी ज्यादा चल रहा है. ठीक है, धीरे धीरे ये फीड का रेट कम करो. ये किससे चेंज होता है? इससे. अच्छा, ये हाइड्रोलिक प्रेशर से है एंड कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल है. हमने अभी फीड का रेट एकदम कम कर दिया है. हम देख सकते हैं कि जितनी बार भी अभी टेबल का लेफ्ट और राइट वाला स्टॉपर लग रहा है तो फीड बहुत स्लो चल रही है. ठीक है, ये इंक्रीज कर दो थोड़ा सा. ठीक है, थोड़ा इंक्रीज कर दिया. और तेज दिखाओ. ये मैक्सिमम कर दिया. अभी फीड ट्रैवल फिर से इंक्रीज कर दिया. ठीक है, डिफरेंट स्पीड्स ऑफ द टेबल मूवमेंट. अभी हमने जो लेफ्ट और राइट यानी लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल की टेबल की स्पीड अभी मैक्सिमम करी हुई है. इसको कम कर दो. और कम कर दो. और कम कर दो. हमने अभी टेबल की स्पीड एकदम स्लो कर दी है एंड इवन इन द स्लो स्पीड वी कैन सी दैट देयर इज नो वाइब्रेशन और जर्क इन द टेबल मूवमेंट. हल्का सा तेज करो.
और तेज कर दो, अभी कोई मीडियम करके छोड़ दो। वर्किंग ऑफ द ऑटोमेटिक डेप्थ एडजस्टमेंट, हमने इस मशीन का अभी ऑटो कट को ऑन कर दिया है और ऑटो कट में अभी पहले स्लिटिंग वाला फीचर दिखा रहे हैं। क्रॉप ट्रैवल को हमने रोक दिया है, द क्रॉप ट्रैवल इज नॉट मूविंग नाउ, और इसकी अभी वर्टिकल की जो डेप्थ है वो हर बार टेबल का लेफ्ट और राइट स्टॉपर लगने पे अपने आप बिलेड नीचे आ रहा है। फॉर द फीचर ऑफ प्लंज ग्राइंडिंग और फॉर स्लिटिंग ऑपरेशंस, जितनी बार भी लेफ्ट या राइट वाला स्टॉपर कोई भी लग रहा है, हम देख सकते हैं कि अपने आप व्हील की डेप्थ बढ़े जा रही है, व्हील नीचे आ रहा है। ठीक है, अभी जो फीचर है वो हमने टेबल पे लगा रखा है, टेबल के हर बार लेफ्ट और राइट पे इसकी डेप्थ इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द ऑटोमेटिक डेप्थ एडजस्टमेंट, दैट इज द ऑटो कट बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल ऑफ द टेबल। ये हम चाहें तो हम टेबल के एक तरफ से भी कर सकते हैं या दो तरफ से भी कर सकते हैं। अभी हमने इसको टू पे किया हुआ है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से टेबल पे कट लग रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक डेप्थ एडजस्टमेंट, अभी हमने प्लेट ग्राइंडिंग के लिए जो ऑटो कट यूज होता है उसको ऑन कर दिया है, इसका क्रॉप ट्रैवल को ऑन कर रखा है, एंड जितनी बार भी इसका व्हील हेड पीछे से आगे या आगे से पीछे जाता है अपने आप इसका डेप्थ चल जाता है। अभी इसका व्हील आगे आ रहा है, एंड जैसे ही व्हील का आगे वाला लिमिट टच हो जाएगा या स्टॉपर टच हो जाएगा, अपने आप इसका जो व्हील है वो डेप्थ ले लेगा एंड नीचे आ जाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं कि इसका व्हील नीचे आ गया। ये जल्दी जल्दी दिखाने के लिए क्रॉप ट्रैवल को फीड की जगह रैपिड में एंगेज कर दो, जिससे हम ऑटो कट को जल्दी देख सके। हमने अभी इसके क्रॉप ट्रैवल पे रैपिड ट्रैवल चला दिया है टू शो द वर्किंग ऑफ द ऑटो कट। ठीक है, हम देख सकते हैं कि अभी टेबल से इंडिपेंडेंट है क्रॉप ट्रैवल और आगे पीछे पे चल रहा है। जितनी बार भी व्हील पीछे से आगे या आगे से पीछे आता है अपने आप व्हील की डेप्थ इंक्रीज हो रही है। ऑटोमेटिक डेप्थ एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन द क्रॉप ट्रैवल ऑफ द टेबल, क्रॉप ट्रैवल ऑफ द व्हील। वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, हमने इस मशीन की मैग्नेट को अभी ऑन किया हुआ है, ऑफ कर दो, एक बार फिर दिखाओ। ठीक है, मैग्नेट को ऑन कर दिया, ऑफ कर दो। ठीक है, इस मशीन में व्हील टॉप माउंटेड ड्रेसर भी लगा है। ये ड्रेसर कैसे वर्क करेगा? ठीक है, और ये फिर व्हील आगे पीछे चलेगा, ड्रेस हो जाएगा। ठीक है, फिर से सीधा कर दो, लॉक कर दो। ठीक है, और ये कवर। ठीक है, मैनुअल ट्रैवल्स, सबसे पहले इसका जो क्रॉप ट्रैवल है उसका मैनुअल ट्रैवल दिखा दो। ठीक है, पीछे ले जाओ, फिर से आगे ले आओ। मैनुअल ट्रैवल, अभी वर्टिकल ट्रैवल दिखाओ, नीचे लेके आओ। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे व्हील हेड को नीचे लेके आ रहे हैं। द मैनुअल ट्रैवल, मैनुअल वर्टिकल ट्रैवल कैन बी सीन। इसके वर्टिकल ट्रैवल में भी दो अलग अलग स्पीड्स हैं, अभी स्लो वाली दिखाओ। ठीक है, अभी भी व्हील नीचे आ रहा है बट स्लो आ रहा है अभी। ठीक है, इसमें जो माइक्रोफीट ट्रैवल्स है वो दिखाओ। ठीक है, माइक्रो फीड ट्रैवल्स। ठीक है, ये जीरो हो गया, इसे रुक गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पैनल ऑफ द मशीन,
इट इज अ मेड इन पोलैंड जोट्स मेक हाइड्रोलिक सरफेस ग्राइंडर कंप्लीट विद ऑपरेटिंग मैनुअल इलेक्ट्रिकल ड्रॉइंग स्प्लैश गार्ड्स कूलेंट फिल्ट्रेशन यूनिट देयर इज नो नॉइस एट ऑल इन द ग्राइंडिंग व्हील द मशीन इज इन ओवरऑल एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन एंड ऑल द फीचर्स आर वर्किंग परफेक्टली फाइन.